नमस्कार दोस्तों, हेल्प वीडियो हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे हेल्प वीडियो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो यदि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो भी आपका नाम नरेगा में चलता ही होगा। तो आप किस प्रकार आपके नरेगा का रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें आपके जो भी आपका वर्क किया हुआ है उसका पेमेंट आपके खाते में जमा हुआ है या फिर किस तारीख को जमा हुआ है, इन सब की जानकारी आप किस प्रकार अपने मोबाइल से देख सकते हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। दोस्तों, नरेगा में यदि आप काम करते हैं या फिर अपना खुद का टांका है तो उसमें आपका जो भी मिस्ट्रोल चलता है तो किस किस का नाम आपने लिखा है या फिर आपके अवैध नाम तो नहीं लिखे गए हैं, उन सब की जानकारी आज हम इसमें वीडियो में जानने वाले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल बाबा में आ जाना है और यहाँ पर नरेगा लिख के सर्च कर लेना है। नरेगा लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहली वेबसाइट आ रही है महात्मा गांधी नरेगा, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है, नीचे यहाँ ग्राम पंचायत लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डाटा एंट्री ऑप्शन आ रहा है, नीचे आ रहा है जनरेट रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पर सिंपल सेकंड नंबर पर जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जनरेट रिपोर्ट के पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका राज्य है वो सिलेक्ट करना है, आपका जो भी राज्य है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे राजस्थान सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपको फाइनेंस ईयर सिलेक्ट करना है, 22-23 करना है, जो भी आपको जिस साल का चेक करना है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ब्लॉक यानी कि तहसील्स को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ पर ग्राम पंचायत जो भी आपकी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। आपके गाँव में जितने भी जॉब कार्ड बने हुए हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो कर लेगी। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं अपना नाम, या फिर अपने मोबाइल में फिल्टर लगाकर भी आप यहां से आसानी से फिल्टर लगाकर ढूंढ सकते हैं। जो भी आपका जॉब कार्ड है वो जॉब कार्ड के ऊपर आपके ये लास्ट नंबर लिखे हुए हैं, तो जैसे वो लास्ट नंबर आप लगाओगे और यहां से ढूंढ लोगे। तो उसके बाद में आपको जो भी आपका नाम, मान लीजिए कि आपका ये नाम है, तो आप इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा और आपको नीचे आ जाना है। नीचे जो भी आपको देखना है कि कोई टांका वगैरह जो भी देखना है तो उस पे आपको नाम पे क्लिक कर लेना, जो ग्रीन नाम बता रहा है उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मिस्ट्रोल की, यहाँ पर देखिए आपके सामने मिस्ट्रोल की संख्या आ रही है, तो ये यहाँ पर ब्लू है तो ब्लू पे आपको क्लिक कर लेना है। ब्लू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिस्ट्रोल ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। जो भी मिस्ट्रोल आपके भरे हुए हैं वो आपको इस प्रकार बारी बारी देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये मिस्ट्रोल ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर इस भाई के यहाँ पर क्रेडिटेड की डेट भी बता रही है, किस तारीख को बैंक खाते में जमा हुआ है, कितना पैसा हुआ है वो भी यहाँ पर बताई जा रहे हैं, कितनी मजदूरी मिली है, कुल कितनी हाजिरी भरी हुई है, और यहाँ पर साइड में आपको नाम बताएंगे किन किन लोगों के नाम हुए हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ विवरण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये देखिए सभी मिस्ट्रोल हैं, आपको बारी बारी सभी को देख कर चेक कर सकते हैं। और यदि आप मेटेरियल पे क्लिक करते हैं तो जो जो आपके काम के मेटेरियल आया हुआ है उसका भी यहाँ पर पूरा रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या चीज का सामग्री पर कितना खर्च हुआ है, उसका भी यहाँ पर पूरा बजट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप पूरा पूरा यहाँ से बजट को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसका पैसा आपके जो भी आपका खुद का टाका है या फिर आपने कहीं पर कमाया है या आपके कोई रिश्तेदारों के टाका है, तो उसका पूरा विवरण यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि किन क्या सरकार ने किस चीज का कितना पैसा दिया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।